उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त पर बीजेपी के मंथन का सिलसिला जारी है। लखनऊ में 3 दिन तक डेरा जमाकर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष हार की वजह तलाश रहे हैं। सीएम योगी भी अलग अलग मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर विधानसभा स्तर पर सभी से रिपोर्ट तलब कर रहे हैं। आज से शुरू मंथन चिंतन अगले 3 दिनों तक चलेगा। 3000 से ज्यादा वर्कर्स और लीडर इस मंथन में शामिल हो रहे हैं। बैठक में 3 प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में शामिल हो रहे हैं। लोहिया सभागार में चल रहे इसी मंथन में प्रदेश मंडल जिला बूथ लेवल तक की समीक्षा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश की कार्य समिति की बैठक चल रही है। इसमें जीते हुए सांसदों से लेकर हारने वाले सांसदों के हार के पीछे की वजह क्या रही, ये मंथन लगातार चल रहा है। बैठक में ज्यादा लोगों को बुलाने के पीछे तर्क यह है कि मैसेज दूर तक जाए, कार्यकर्ता का चार्ज हो जो चुनाव से पहले उन्होंने संभाला, क्या क्या कमियां रह गई। बोर्ड निगम के अध्यक्ष इसमें शामिल हैं, जिला अध्यक्ष और प्रभारी शामिल हैं, करीब 3000 नेता हैं, मेयर, यहां तक कि पालिका के अध्यक्ष भी इसमें शामिल हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी सरकार के मंत्री, केंद्र में यूपी के मंत्री, ये तमाम महामंथन में शामिल हो रहे हैं। अब यूपी बीजेपी के महामंथन में जो चेहरे होंगे, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों चाहे डिप्टी सीएम हों, उनकी तो मौजूदगी होनी ही थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी मौजूदगी होनी थी, लेकिन 3000 नेताओं के होने के पीछे वजह यह है कि सरकार बनने से पहले तक चुनाव के प्रचार और अभियान में कूदे हुए वो तमाम चेहरे जिनके पास जो रिपोर्ट है, जहां कमी रह गई या जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रहे उसके ऊपर मंथन होना है। अब मीटिंग में किन किन मुद्दों पर फोकस किया गया है, जरा इसको यहीं पर रोक लीजिएगा। पहला तो यह है कि अधिकारियों के खिलाफ जनता की नाराजगी रही है। अब कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि अधिकारियों को उनके काम करने थे, वो काम नहीं हो पाए और इसलिए जनता की नाराजगी सामने आई है। पहला ये कि अधिकारियों के कामकाज को लेकर जो जनता के खिलाफ नाराजगी है, नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हुई, ओबीसी और दलित वोट जो है वो भी खिसका है। इतना ही नहीं, पार्टी के अंदर भीतर घात भी हुआ है, उसे भी खत्म करना है। पांचवा और महत्वपूर्ण ये कि जो संविधान को बदल दिया जाएगा अगर एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन गई, एक भ्रम जनता के बीच में फैलाया गया, इस भ्रम को दूर करना भी जिम्मेदारी है। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं वो हमने आपके सामने रखे। अब एक एक सीट की भी अगर हम बात करें, फैजाबाद की बात कर लें जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका था। यहां से समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज कर ली और लल्लू सिंह यहां से हार गए, लेकिन अगर आप मार्जिन देखिएगा तो 54,567 वोट का ये मार्जिन है। ऐसा नहीं है कि ये मार्जिन को पाटा नहीं जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद फैजाबाद जैसी इतनी महत्वपूर्ण सीट जहां के बारे में कहा जा रहा था कि राम मंदिर की लहर पर सवार होकर बीजेपी तो यहां से जीत बड़े मार्जिन से तय करेगी, यहां भी बीजेपी हार गई, लेकिन मार्जिन उतना बड़ा भी नहीं है जिसे कम नहीं किया जा सकता था। ये बात हो गई फैजाबाद की। अगली सीट भी सामने रखें, एक और सीट जहां से बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा वो सीट रही अमेठी की। अमेठी एक ऐसी सीट जहां स्मृति ईरानी ने लगातार अच्छा काम किया, वहां के लोगों ने भी कहा, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी यहां से हार गई। और मुजफ्फरनगर की बात करें, यहां से हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी के जीते, बीजेपी के संजीव बालियान हार गए और वोट का मार्जिन यहां भी केवल 24,672 का रहा। इस मार्जिन को भी खत्म किया जा सकता है। अब देखिए, हम अमेठी की बात कर रहे हैं, स्मृति ईरानी हाई प्रोफाइल चेहरा था और उन्हें कांग्रेस पार्टी के केएल शर्मा ने यहां से हरा दिया। वोट का मार्जिन 1,67,196 का रहा। अब स्मृति ईरानी भी अपने स्तर पर हार के पीछे मंथन तो कर ही रही होंगे, लेकिन पार्टी के लिए सबसे बड़ा विषय यह है कि इतनी हाई प्रोफाइल सीट बीजेपी कैसे हार गई। इसके पीछे कारण क्या ये रहा कि कार्यकर्ताओं की बात अधिकारी नहीं सुन रहे थे, क्या अधिकारियों को लेकर कोई वहां पर कश्मकश दिखाई दी, या फिर
समस्या इसके अलावा कुछ और थी। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। ये जो महामंथन चल रहा है विशाल, इसमें अगर दो सीटों की स्पेशली बात की जाए, एक अमेठी की और एक फैजाबाद की, इन दो सीटों के हारने के पीछे अभी तक मंथन क्या हुआ है, क्या कारण रहे हैं? सबसे पहले बात तो फैजाबाद की। चूँकि इस समय जो वंदे मातरम का सॉन्ग है वो इस समय यहाँ पर बजाया गया है, सभी लोग यहाँ पर वंदे मातरम में शामिल हुए हैं। और जो बात किया जाए कार्य समिति की बैठक में, तो मीनाक्षी आज जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी इन सीटों पर, जिसका कि भी आपने जिक्र भी किया, जिसमें अमेठी भी शामिल है, लखनऊ की मोहनलालगंज सीट शामिल है, अयोध्या सीट शामिल है, बाराबंकी सीट शामिल है, यहाँ पर बीजेपी आखिर क्यों हार गई, तो ये जो वजह है जो कार्य समिति में सबसे ज्यादा चर्चा होनी है। और इसी चर्चा के बीच में ये तय करना है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ उपचुनाव बल्कि जो रोड मैप तैयार होगा 2027 के चुनाव का, उसको लेकर के भी रोड मैप यहाँ पर तय किया जाएगा। सभी विधायकों को बुलाया गया है, सांसदों को बुलाया गया है, मंत्रियों को बुलाया गया है, केंद्र में उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं उनको बुलाया गया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बूथ अध्यक्षों को भी बुलाया गया है, ताकि जो भी मैसेज है वो लाउड हो, क्लियर हो और बूथ मंडलों तक जाकर के जाए। यही वजह है कि जो 2027 का रोड मैप होगा उसको पूरी तरीके से चर्चा करने के लिए, फिलहाल आप मंच पे देख लीजिए योगी आदित्यनाथ मौजूद है, मुख्यमंत्री मौजूद है, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, ब्रजेश पाठक से बात करते हुए आपको नजर आ रही होंगी स्मृति ईरानी, इसके अलावा जो केंद्र में मंत्री हैं उत्तर प्रदेश से आते हैं उन सबका यहाँ पर स्वागत भी किया जा रहा है। इसके अलावा संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, जितिन प्रसाद मौजूद हैं, पहले यूपी सरकार के मंत्री थे, अब केंद्र सरकार के मंत्री हैं, तो सभी को बैठना है। पुरानी जो निगेटिविटी आई, जो समस्या आई जिसकी वजह से बीजेपी कम सीट जीत पाई, ज्यादा सीट नहीं जीत पाई, उन सारी चीजों को यहाँ पर दूर करना है और एक साथ एक बार फिर से कमर कसनी है। कमर किस तरीके से कसनी है आप ये देखिए विजुअल्स में आपको नजर आ रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो छोटे हों, मध्यम वर्गीय हों, बड़े हों, सबको बुलाया गया है ताकि मंथन किया जाएगा और रोड मैप तय किया जाएगा कि आने वाले समय में बीजेपी जैसे पहले मजबूत दिखती थी उसी तरीके से मजबूत आने वाले दिनों में दिखे, और न सिर्फ उपचुनाव बल्कि 2027। आप ठीक कह रहे हैं विशाल, देखिए चुनावों में तो जीत और हार लगी रहती है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि मोरल नहीं गिरना चाहिए और हार के कारणों की समीक्षा होनी चाहिए जिससे आगामी उपचुनाव को लेकर भी कमर कसी जा सके। अब जैसे मैं जिन दो सीटों की बात कर रही हूँ, एक सीट है फैजाबाद और एक सीट है अमेठी की, क्या कारण रहे अभी तक, क्या वजह समझ में आती है? फैजाबाद जैसी सीट का बीजेपी के द्वारा हार जाना, ये क्या मैसेज था? अपने देखिए जो अभी तक की समस्या या यूं कहा जाए वजह निकल कर के आई है मीनाक्षी, उसमें फैजाबाद सीट के लिए जो प्रमुख वजह निकल के आई है कि लल्लू सिंह, जिनको कि कहा जाता है कि वहां पर लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक्सेसिबल नहीं थे, लोगों से बहुत ज्यादा मुलाकात नहीं करते थे, लोगों की पैरवी नहीं करते थे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो संविधान और आरक्षण वाली बात नैरेटिव सेट करने में विपक्ष कामयाब रहा, वो बयान कहीं ना कहीं लल्लू सिंह ने बैठ करके एक आम बातचीत में, एक आम संवाद में दिया था, बातचीत के संवाद में, और उसको कैमरे पर रिकॉर्ड करके किस तरीके से विपक्ष ने एक नैरेटिव बढ़ा, तो यह कहा जा सकता है कि जो लल्लू सिंह की वहां मौजूदगी थी, जो उनकी अलोकप्रियता थी लोगों के बीच में, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ी, और जो कास्ट इक्वेशन था वो भी अवधेश प्रसाद जैसे नेताओं को। ठीक है, ये तो बात हुई फैजाबाद की कि संविधान को बदल देने वाला नैरेटिव जो है ये मैदान पर बड़ा तेजी से काम किया, लेकिन अगर हम अमेठी की बात करें, वहां पर स्मृति ईरानी ने अच्छा काम किया, शहर की जिले की कायापलट हो रही थी, ऐसा होता भी दिखाई दिया, लेकिन उसके बावजूद 1000 से ज्यादा वोटों से स्मृति ईरानी का हार जाना, वो भी केएल शर्मा के सामने, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि क्या स्मृति ईरानी ने काम ठीक नहीं किया या बीजेपी के खिलाफ कोई भीतर घात हुआ वहीं पर अमेठी में। देखिए मीनाक्षी, इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं कि जितनी एक्टिव स्मृति ईरानी अमेठी में थी, शायद ही कोई दूसरा सांसद इतना एक्टिव अपने क्षेत्र में कहा जाए, न सिर्फ अमेठी के लोगों के मुद्दे को उठाना, अमेठी के लोगों के मुद्दे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखना, या नई परियोजनाओं को अमेठी में लेकर के आना केंद्र सरकार के माध्यम से, इन सारी चीजों में स्मृति ईरानी बेहद एक्टिव थी। आज भी वो मंच पे मौजूद है, हालांकि उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, वो बातचीत करने के लिए तो तैयार नहीं हुई, उन्होंने इतना जरूर कहा है कि वो अमेठी के साथ अपना नाता लगातार
लगातार जोड़ी रहेंगी, किसी भी तरीके से उनका नाता खत्म नहीं होगा, क्योंकि बेटी का नाता माता से तभी खत्म होता है जब उसकी अर्थी उड़ जाती है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि अमेठी में वो एक्टिव रहेंगी, लेकिन जो हार के कारण है उसमें कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भीतरघात और जो संगठन लेवल पे उनको मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। और ये भी कहा जा रहा है कि जो मौजूदा वहां के मंत्री हैं या पूर्व मंत्री हैं या जो दो विधायक इस बार क्रॉस वोटिंग करने के बाद बीजेपी के पास आए, वो अपना वोट अमेठी में स्मृति ईरानी को नहीं दिला सके। और जो संविधान और आरक्षण का नैरेटिव था भारतीय जनता पार्टी यहां भी अपने कार्यकर्ताओं को उसको ऐसी दो और सीट है, बिल्कुल विशाला बने रही है हमारे साथ, ऐसी ही दो और सीट है जहां पर बीजेपी की हार हुई है, लेकिन जो फासला है वो कोई बहुत बड़ा नहीं है। अमेठी और फैसलाबाद के बाद बात मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं, जहां से हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं और बीजेपी के बड़े नेता संजीव बालियान यहां से हारे हैं। और लेकिन मार्जिन अगर आप देखिएगा तो ये तो फैजाबाद और अमेठी से भी कम दिखाई दे रहा है, 24,672 के मार्जिन से यहां से संजीव बालियान हारे हैं। इसके बाद एक और सीट की बात कर ले, कैराना की सीट जहां से समाजवादी पार्टी की इकरा हसन ने जीत हासिल की, अगर आप हिंदू मुस्लिम के कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी देख लें तो ऐसा नहीं है कि यहां से बीजेपी जीत नहीं सकती थी, इससे पहले भी यहां से बीजेपी जीती है प्रदीप कुमार की यहां से, लेकिन हार हुई। और मार्जिन आप देखिए तो 69,116 का मार्जिन रहा, यहां से इकरा हसन जीत गई।